अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरे। हमीरपुर बाजार में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ, वन विभाग कर्मचारी संघ, अनुबंध नियमित कर्मचारी संघ, वेटनरी कर्मचारी संघ, पंप ऑपरेटर कर्मचारी संघ, चालक एवं परिचालक संघ के सदस्यों ने पुलिस मैदान से एक रैली निकाली। इस दौरान सरकार से आग्रह किया कि पुरानी पेंशन को जल्द बहाल किया जाए। नागरिक संशोधन एक्ट के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली। रैली बोटा चौक से शुरू होकर गांधी चौक में पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में प्रचार किया। नागरिक संशोधन एक्ट के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के कदम की सराहना की, तो कार्यकर्ताओं ने विरोधी दलों के द्वारा दुष्प्रचार करने के भी आरोप लगाए। इस अवसर पर मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक के डी हिमाचली भी मौजूद रहे। मुस्लिम मंच की पदाधिकारी नीरज खान ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की ओर से नागरिकता बिल का स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर कुल दल रोटियां सेक रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत का मुसलमान बदल चुका है, और उन दलालों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम पर अब ये जो आप राजनीति करने की रोटियां सेक रहे हैं उसको बंद कर दीजिए भाइयों। अब ये टॉपिक बहुत पुराना हो चुका है। आज भारत का मुसलमान देश हित में चलना चाहता है, वो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहता है, तो हम लोगों को बिना मतलब से बदनाम ना किया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, राष्ट्रहित के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी पहल हम सबके लिए की है, हम उन सभी पहलों का दिल से स्वागत करते हैं, उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमारे पिछड़े हुए हैं, नासमझ हैं और जो अनपढ़ हैं, उन लोगों को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। उन लोगों को मैं यहाँ से अपील करना चाहती हूँ कि कृपया कृपया उन लोगों के बहकावे में ना आए, और हम सबको देश के हित में एक साथ चलना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक केडी हिमाचली ने कहा कि देशद्रोहियों के द्वारा देश के अंदर नागरिकता बिल को लेकर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जिसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जमीन खिसकने के लिए कुछ राजनीतिक दल अपना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारत की सरकार ने जो नागरिकता अधिनियम पास किया है वो देश हित में है। हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसका पुरजोर स्वागत करता है। ये जो बिल आया है इससे किसी भी नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक की, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब, कौम का है, नागरिकता नहीं छीन रही है। ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये राजनीतिक जमीन खिसकती देखकर अपने आप को बचाने के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं। इनसे सचेत रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। और आप, मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो दूसरी विरोधी पार्टियों के लोग हैं, जो ये 70-73 सालों में नहीं कर सके, अगर मोदी जी ने आके ये एक सफाई करनी चाहिए तो इनको क्या दिक्कत हो गई। आप कश्मीर में लीजिए, 1947 में जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से विस्थापित होके आए, आज तक उनको नागरिकता नहीं है। किसने देनी थी भाई, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अगर उन मजलूमों को, उन अपेक्षित लोगों को नागरिकता मिल रही है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आरएसएस के पदाधिकारी ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर गलत व अविवेकपूर्ण तरीके से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इनसे देश का भला ही होगा, नुकसान नहीं। इसलिए सभी मिलकर इसका समर्थन करें, और जो पार्टियां इसका भ्रामक प्रचार कर रही हैं वो वोट बैंक की राजनीति छोड़कर देश के हित में काम करें। कार्यक्रम जो पूरे समाज ने यहाँ आयोजित किया, उसका विशेष रूप से जो हित था वह यह था कि अपना जो यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, वह
ठीक लागू हो और पूरे का पूरा समाज उसको लागू करने के लिए यहाँ उपस्थित था, हमारे मुस्लिम बंधु भी और सारा अपना व्यापार मंडल और दूसरे संगठन, सहयोगी संगठन, मजदूर संघ और दूसरे जितने भी थे वो सब उपस्थित थे। तो इसका जल्दी से यहाँ पर लागू होना चाहिए और किसी भी प्रकार का जो विरोध यहाँ दूसरे तत्व, विद्रोही तत्व कर रहे हैं, वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ही कर रहे हैं और समाज की जो एकता है और अखंडता है उसको छिन्न भिन्न करने के लिए वो ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो निंदनीय है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।